बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानू ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी में नव वर्ष के अवसर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ गरीब तथा असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। ओरछा रोड स्थित मून सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने अपने पुत्र मून के साथ आसपास रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के निवासियों तथा सहरिया बस्ती के लोगों को कंबलों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए सभी को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण का आयोजन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को नव वर्ष की शुरुआत नेक कार्य से करना चाहिए ताकि वर्ष भर उसके हाथों से चाहे अनचाहे नेक कार्य होते रहें। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। जी, आज क्या प्रोग्राम था? आज नव वर्ष की शुभकामनाएं दी सभी को और हम लोगों ने फैसला लिया कि आज के दिन पूरे देश में ठंड है तो कम से कम वो मजदूर लोग जिन्हें ठंड की परेशानी झेलनी पड़ रही है उनको कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा। इसमें एक आयोजन था और इसमें हम लोगों ने 400-500 लोगों को कंबल बांटने की कोशिश की है। और भी ये कोशिश है कि सर्दी के मौसम में हम लोग इस नववर्ष के अवसर पर खुशियां तो मना रहे हैं पर वो सब भी खुश रहें जिनके लिए ये अवसर है, हम लोगों ने ये कोशिश की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ में हूं ऋतिक सोनी। बुंदेलखंड न्यूज 24 को प्यार देने वाले सभी तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में काम करने वाले सभी एंकर्स, रिपोर्टर्स और वीडियो एडिटर्स की मेहनत का नतीजा है कि आज बुंदेलखंड न्यूज 24 बन चुका है झांसी का नंबर वन चैनल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही आप बुंदेलखंड न्यूज 24 से बने रहें और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 का एक स्पेशल बुलेटिन। हर रात 8 बजे 2 मिनट में देखिए बुंदेलखंड की तमाम खबरें एक साथ।